कुछ इस पे टेक्निक्स बनाई हैं जिससे ये मालूम चलता है कि आपको ये रियाज किस समय करना है और पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करनी है, है ना। जैसे वो वाली बात हो जाती है ना कि बड़े कमजोर दिखते हो, कुछ खाया पिया करो। तो क्या खाना है? खाना तो है, पर खाना क्या है वो तो बताओ। कुछ भी खाने से हेल्थ थोड़ी बन जाएगी, और कभी भी खाने से भी हेल्थ नहीं बनती है, है ना। आप एक, क्योंकि उस आर्मी फौज की उसमें हो तो आपको मालूम होगा कि भैया खाने पीने का भी एक समय होता है, एक डाइट प्लान होता है, डाइट चार्ट होता है। जब वो खाया पिया जाता है तब जाके हेल्थ बनती है। ऐसे थोड़ी उलझुलूल आप दिन भर खा रहे हो या कभी भी किसी भी समय खा रहे हो और बहुत सारा खा रहे हो और कुछ भी किसी भी प्रकार का खा रहे हो तो हेल्थ बन जाती है, ऐसा नहीं होता है ना। उसी तरह से रियाज का भी है। रियाज भी ऐसा नहीं कि कभी भी कितना भी और कैसा भी कर लिया तो हो गया, नहीं। उसका एक समय निर्धारित है, निश्चित है, उस समय कीजिए और ये एक्सरसाइजेस कीजिए। इस एक्सरसाइज से ये असर होता है, इस वाली से ये असर होता है। हर एक्सरसाइज का अपना एक अलग असर होता है ना, उसकी तासीर अलग है। जिस प्रकार से हम जिमिंग करते हैं, जिमिंग में लेग डे अलग होता है, बाइसेप्स बनाने तो अलग, ट्राइसेप्स बनाने अलग, चेस्ट के लिए अलग एक्सरसाइज है, एब्स के लिए अलग एक्सरसाइज है, है ना, ये शोल्डर्स के लिए अलग एक्सरसाइज है। सबकी एक्सरसाइजेज अलग अलग होती हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो ये असर होगा, ये वाली करोगे तो ये असर होगा, ठीक है। उसी तरह से रियाज में भी। तो जल्दी कीजिए और जुड़िए हमसे, वन ऑन वन क्लास के माध्यम से लाइव कैमरे पर सीख सकते हैं संगीत की बारीकियां, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ SPW चैनल या फिर SPW का ये जो ऐप है, संगीत धारा SPW। तो क्योंकि सिंगिंग सीख रहे हैं और सिंगिंग में हम ग्रामेटिकल पोर्शन, उस पर अभी हम गौर कर रहे हैं कि लय ताल क्या होती है या फिर अलंकार क्या होंगे, उस पर हम आगे आएंगे। रागें हम सीखेंगे बहुत सारी, लेकिन इसमें एक शब्द होता है, आपने सुना होगा रियाज। कभी आपने ये शब्द सुना है? संगीत में रियाज किसे कहते हैं? रियाज उर्दू लफ्ज़ है और रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अंग्रेजी में है, अभ्यास हिंदी में है, तो रियाज जो है वो उर्दू में है, ठीक है। अब एक रियाज से पहले दो शब्द और जोड़ दो, सवेरे का रियाज, ये आपने सुना होगा, है ना। तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे कि रियाज क्या करना होता है हमें मॉर्निंग में, जो सिंगिंग के लिए होगी। वोकल एक्सरसाइजेस कुछ मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी वोकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, इम्यूनिटी उसमें इम्प्रूव होती है, और क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी वोकल रेंज आपकी बढ़ जाएगी, आवाज़ में दमखम आएगा, आपका पंच आएगा, है ना। वो सारी चीज़ें आपको जानने को सीखने को मिलेंगी रियाज में, ठीक है। तो इसका पूरा नाम जो है वो मेरे पिताजी द्वारा दिया गया है, मॉर्निंग वोकल रियाज। सब लोग कहते हैं कि सवेरे का रियाज करना चाहिए, लेकिन सवेरे के रियाज पर इतना गौर कोई नहीं करता है। सब कहते हैं, ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं कि चलो दोपहर में कर लिया, शाम में कर लिया, कभी भी कर, जब वक्त मिला तब कर लिया, है ना। और ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है या उसमें एक्सरसाइजेज फिक्स नहीं है। सब लोग कहते हैं रियाज किया करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि रियाज करना कब है, है ना, और उसमें क्या करना है। बस ये कह देते हैं हर गुरु के, हाँ गाते अच्छा हो पर रियाज किया करो। क्या रियाज करना है और कब रियाज करना है, इस पर कोई चर्चा करता नहीं है। तो मेरे पिताजी ने कुछ इस पर टेक्निक्स बनाई हैं जिससे ये मालूम चलता है कि आपको ये रियाज किस समय करना है और पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करनी है, है ना। जैसे वो वाली बात हो जाती है ना कि बड़े कमज़ोर दिखते हो, कुछ खाया पिया करो। तो क्या खाना है? खाना तो है, पर खाना क्या है वो तो बताओ। कुछ भी खाने से हेल्थ थोड़ी बन जाएगी, और कभी भी खाने से भी हेल्थ नहीं बनती है, है ना। आप एक, क्योंकि उस आर्मी फौज की उसमें हो तो आपको मालूम होगा कि भैया खाने पीने का भी एक समय होता है, एक डाइट प्लान होता है, डाइट चार्ट होता है। जब वो खाया पिया जाता है तब जाके हेल्थ बनती है। ऐसे थोड़ी उलझुलूल आप दिन भर खा रहे हो या कभी भी किसी भी समय खा रहे हो और बहुत सारा खा रहे हो और कुछ भी किसी भी प्रकार का खा रहे हो तो हेल्थ बन जाती है, ऐसा नहीं होता है ना। उसी तरह से रियाज का भी है। रियाज भी ऐसा नहीं कि कभी भी कितना भी और कैसा भी कर लिया तो हो गया, नहीं। उसका एक समय निर्धारित है, निश्चित है, उस समय कीजिए और ये एक्सरसाइजेज कीजिए। इस एक्सरसाइज से ये असर होता है, इस वाली से ये असर होता है। हर एक्सरसाइज का अपना एक अलग असर होता है, है ना, उसकी तासीर अलग है। जिस प्रकार से हम जिमिंग करते हैं, जिमिंग में लेग डे अलग होता है, बाइसेप्स बनाने तो अलग, ट्राइसेप्स बनाने अलग, चेस्ट के लिए अलग एक्सरसाइज है, एब्स के लिए अलग एक्सरसाइज है, है ना, ये शोल्डर्स के लिए अलग एक्सरसाइज है। सबकी एक्सरसाइजेज अलग अलग होती हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो ये असर होगा, ये वाली करोगे तो ये असर होगा, ठीक है। उसी तरह से रियाज में भी है। अब सबसे पहले तो हम ये जान लें, मैंने रियाज शब्द का अर्थ आपको बता दिया, फिर ये बताया कि इसे करना कब है, मॉर्निंग में करना है, जैसा कि इसका नाम आ जाता है, मॉर्निंग वोकल रियाज। मॉर्निंग भी कैसी मॉर्निंग? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं 4 से 7 के समय को, सूर्य उदय से पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त,
ये समय होता है जब सनराइज हुआ नहीं है, उससे पहले आपको उठना होगा और ये एक्सरसाइजेज आपको करनी है। वोकल की एक्सरसाइजेज मैं आपको देने जा रहा हूँ। वैसे आप भले हारमोनियम वाले हो, तबले वाले हो, डांसर हो, तब भी आप ये एक्सरसाइजेज किसी भी उसी समय करोगे तब भी असर होता ही है, और हमारी पढ़ाई भी अगर उस समय होती है तो बेहतर हमारा असर होता ही है। पर हम वोकल की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो वो तो उस समय करनी ही चाहिए, तब जाके उसका और ज़्यादा बेहतर असर होता है। ठीक है, तो मॉर्निंग वोकल रियाज। अब पहले तो ये बता दें कि इसमें फ़ायदे क्या होते हैं, पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं कि बढ़ता क्या क्या है उससे, कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिससे क्या क्या होता है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, वोकल में पंच आता है आपकी आवाज़ में, दम, जो बहुतों का सवाल होता है कि यार आवाज़ में दम कैसे लगे, आवाज़ ऐसी हमारी पावे, ये हल्कापन है आवाज में। अगर उसे रैन अधेयारी रैन अधेयारी रैन अधेयारी रैन अधेयारी, ये थोड़ा लाउडनेस आया तो सबसे पहला पॉइंट क्या आपका कवर होता है, आपके अंदर पंच आता है, है ना, जिसे हम स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। जिमिंग करने से क्या होता है, बॉडी मसल्स हमारी स्ट्रांग होती है तो स्ट्रेंथ डेवलप होती है, कि हम कोई भी चीज़ को वजन उठाने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, मसल्स स्ट्रांग हो गई तो हमारी क्या स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो वोकल स्ट्रेंथ, वोकल पंच, मसल्स हमारी स्ट्रांग होती है, पहला ये चीज़ इजाफा होता है, इंप्रूवमेंट होता है। दूसरी चीज़ होती है रेंज, रेंज मतलब ऊपर और नीचे, हाई पिच और लो पिच दोनों कवर हो जाते हैं। आप चाहें जितना ऊंचा भी गाएंगे तब भी आपकी आवाज़ भटेगी नहीं, और उसमें शुद्धता उतनी ही मेलोडी आ पाएगी, उतना ही पंच आ पाएगा, क्योंकि वही है ना पिच परफेक्शन जिसे हम कहते हैं, कि पिच ये तो सा ग प सा ये तो मैच हो गया, लेकिन इसके ऊपर गया तो ग ग ऐसे गला खींचता है, वो ऊपर वाला पार्ट अगर कोई भी आया गाने में तो नहीं गा पाता, या नीचे आता तो ऐसे करने लग जाते हैं कि वो मैच नहीं हो पा रहा है पिच परफेक्टली। तो वो मैच कैसे होगा, मिडल ऑक्टेव में तो मैच हो जाता है क्योंकि हमारी वोकल है नॉर्मल, जो रेंज होती है ईश्वर की देन जो रेंज है वॉइस में वो इतनी सी है, उसको हमें बढ़ाना भी तो होता है। अभी हम हो सकता है 20 किलो का वजन उठा सकते हैं, पर अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तो हो सकता है हम 40 किलो का भी वजन उठा पाएं, है कि नहीं, तो वो एक्सरसाइज से बढ़ जाएगा ना, कैपेसिटी है हमारे अंदर मसल्स में, वो कैपेसिटी है कि उतना वजन भी उठाया जा सकता है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा उठाया जा सकता है। जो हैवी वेट लिफ्टिंग चैंपियंस होते हैं या वो जो चैंपियनशिप होती है, वो जो एक्सरसाइज होती है, वो तो 100-150 किलो उठा लेते हैं, है ना, अपने बॉडी से ट्रक खींच लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्षमता तो है, बस उसको एक्सरसाइज से हमको बढ़ाना है। तो इसे कहते हैं रेंज, है ना भाई, ये भी तो रेंज ही है ना, कि पहले 40 किलो फिर 50 किलो फिर 80 किलो, ये रेंज बढ़ रही है। उसी तरह से सुरों की भी रेंज होती है, आप मिड ऑक्टेव में अभी गा सकते हैं, हो सकता है सारे ग प ध सा द प ग रे सा, ये सा से सा तक आप मिड में गा सकते हैं, लेकिन सा ध प ग प ध प ग प ध सा ध रे, है ना, तो इतना नीचे अपन एक बार के लिए चले गए, सरे ग प ध सा ध रे ग, तो आपने देखा ये तीन पिच, तीन ऑक्टेव कवर कर लिए, ग ग है ना, ग ग ग, ये तीन पेज कवर कर लिए। ठीक है, अभी क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ ना साथ साथ में, तो बोलते बोलते गाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कई बार वो गला थक जाता है, इसलिए भी सुर जाता नहीं है, इसलिए गाने वाले को बोलना उसी हिसाब से चाहिए, गाते गाते तो बोलना भी नहीं चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा कि रियाज के दौरान प्रिकॉशंस क्या रखने होते हैं, उसमें ये पॉइंट आएगा। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि बीच में बोलना नहीं होता आपको, है ना, सारे ग प प ग रे ध सा, तो आप देख रहे हैं इतना ऊंचा हाई पिच का नोट वो भी लगा लिया और इतना लो भी चले गए, इसे कहते हैं वॉइस रेंज। ये तब डेवलप होती है जब सवेरे उठना पड़ता है आपको, है ना, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली राइजर बनना पड़ता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये है ना वो हेल्दी वेल्दी वाइज, ये जो प्रवर्ब है ये सत्य है, ये जो अपना लेता है उसका जीवन सफल है। भाई जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, अपने आप काम आपका भला होना ही होना है, किसी का काम कोई ये नहीं कह सकता कि जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला बर्बाद होगा,
ये कोई नहीं कह सकता, है ना, कोई इसका काउंटर नहीं दे सकता कि ये नहीं, ऐसा नहीं, सवेरे नहीं उठो तब भी हो जाएगा। ये वही कह सकता है जो वो ये बहाने हैं, फिर जो बहाने मारेगा वो ये कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सवेरे नहीं भी उठो तब भी, दोपहर में भी करो तब भी सिंगर तो बन ही रहे ना, कितने सिंगर हैं जो सवेरे उठते हैं। तो ठीक है, फिर वो उतना सफल हो भी नहीं रहे जितना एक सवेरे उठ के रियाज करने वाला सिंगर सफल हो सकता है। और सफलता की सबकी अपनी परिभाषा अलग है, वो बात अलग है। सक्सेस जो है उसकी डेफिनेशन सबकी अलग होती है, पैरामीटर सबके अलग होते हैं। आप सक्सेस पैसे को कहते हो तो वो बात अलग है, है ना, और अगर उस विषय की गहराई वो जानना आप सक्सेस मानते हो कि यार मैं इस विषय की, इस सब्जेक्ट की डेप्थ तक पहुंच गया, अगर उसे आप कहते हो कि हाँ ये सफलता है, तो वो सच्ची सफलता है, है ना, कि इसको मैंने हासिल किया। पैसा तो आप उलझुलूल कुछ भी करो, पैसा कमाना आज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, हरकतें आप उलझुलूल अजीबोगरीब करने लग जाओ पैसा मिलेगा, टिकटॉक पे आ जाओ, है ना, मतलब मैं ऐसे बुराई नहीं कर रहा हूँ टिकटॉक की, पर एक बात बता रहा हूँ कि कुछ भी करो तो पैसा तो मिल जाएगा। तो सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। तो पहला पॉइंट था वॉइस पंच, दूसरा था वोकल रेंज, ठीक है, फिर तीसरा लिखिए स्वर की स्टेबिलिटी आ जाती है, स्वर स्थिरता जिसे हम कहेंगे, है ना, पिच परफेक्टनेस। तो मैंने बताई कि पिच मैच कर पाना, कि सा लगाया तो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मैच हो, रे लगाया तो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मैच हो, है ना, और उसी को आप ये भी कह सकते हैं स्वर स्थिरता। स्वर स्थिरता मतलब स्वर स्टेबल लग रहा है, ये सा सा ग, ग लगा तो एग्जैक्ट ग लगा, ये नहीं के ग, ये क्या हुआ, ग ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ, हल्की हल्की फ्रीक्वेंसी, कभी ऊपर चली गई कभी नीचे चली गई, या फिर कंपन ग, ये क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। तो वाइब्रेशन यानी अनावश्यक अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, है ना, अस्थिर हो तो आपकी इच्छा से हो, जैसे अभी मैंने किया, ये मेरी इच्छा से किया मैंने, मेरे कंट्रोल में था, इख्तियार में था मेरे, है ना, ये नहीं कि वो बेलगाम था, बेकाबू नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ संगीत में हो सके जितनी बेकाबू ना हो, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने सुर लगाया तो स्थिर था और मेरे कंट्रोल में था, तो ये चीज़ रियाज से आती है, स्थिर मतलब एक तो कंपन भी नहीं और पिच परफेक्टनेस भी, स्थिर में दोनों चीज़ें आ जाती है, स्टेबिलिटी में दोनों चीज़ें, पिच परफेक्टनेस यानी पिच मैच करे एग्जैक्ट और स्टेबिलिटी, ठीक है, तो ये आपको रियाज से मिलती है। बाकी इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फायदे हैं रियाज से, आपको डेप्थ मिलती है, सुरों में गहराई, जो हमें लगता है कि एक सा हमने लगाया सा, एक सा आप भी यही वाला सा लगा लोगे, पिच परफेक्ट जो मैंने अभी बताया कि मैच करना, वो तो कोई भी कर सकता है, तो मेरे सा में और उसके सा में क्या फ़र्क होगा, वो डेप्थ का फ़र्क है, वो गहराई का फ़र्क है, और वो हमें ऐसे नहीं सुनाई देता है, नॉर्मल कानों को सुनाई नहीं देगा कि डेप्थ क्या है, वो एक्सपीरियंस्ड कान जो हैं वही पहचान सकते हैं कि ये कुछ फ़र्क है। आपकी वोकल टोन चेंज हो जाती है जब आप रेगुलर रियाज करते हैं, तो ये जो अभी टोन आ रहा है इसमें ऐसा टोन आने लग जाता है, ऑटोमेटिकली बड़ी खिली खिली सी खनक आ जाती है आवाज़ में, है ना, एक खनक जिसे कहेंगे, और वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि मैं बयां कर दूं, है ना, वो अनुभव है, तो वो आपको मिलेगा, आप करके देखेंगे तब मालूम चलता है कि ये चार दिन से जब मैं लगातार रियाज कर रहा हूं तो मेरी वॉइस में फ़र्क है, बात करने में ही फ़र्क आ जाएगा आपकी, गाना दूर की बात, बोलने में ही आपको लगेगा यार ये आवाज़ का लगाव कुछ अलग है, ये ऐसी आवाज़ नहीं है जो मैं पहले करता आया हूँ, है ना। तो पहले तो मैं आपको रियाज के बेनिफिट्स बता रहा हूँ ताकि आप तैयार हो जाओ कि यार हाँ रियाज करना है, वरना बताने को मैं सीधा भी रियाज बता सकता था कि ये सारी टेक्निक्स हैं, पर वो सारी टेक्निक्स बताना तो ये हो जाएगा थोपने वाली बात है कि इन्होंने कहा है, गुरु का आदेश है तो कर रहा हूँ, पर मैं कभी भी ये नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ सिखाऊँ उसकी पहले इंपॉर्टेंस बताऊँ, इंपॉर्टेंस होगी तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, ऑटोमेटिकली लगन, वो लालसा डेवलप होगी कि यार ये करना चाहिए, है ना, उसके प्रति रुझान, रुचि, है ना, इंक्विजिटिव हो जाओगे आप, इंटरेस्टिंग लगने लगेगी वो चीज़, तो पहले इंटरेस्ट तो पैदा करूँ कि भाई रियाज से होता क्या क्या है ना, वरना आप मेरा कहाँ मान के करोगे तो उसका असर नहीं होगा, कि ये होता ना दवाई है, दवाई का असर तो होता है लेकिन दवाई का 50% असर ये सब डॉक्टर भी कहेंगे साइकोलॉजिकल होता है, मानसिक है, अगर आप मानते हैं कि इस दवाई से मेरा इलाज होगा तो ही होगा, वरना आपने कह दिया इससे तो मेरा कोई असर नहीं होता, कितनी ही अच्छी दवाई हो आप पर असर करेगी ही नहीं, है ना, लोगों को लगता है यार मानसिक क्या, दवाई की तो असर है, दवाई की तो तासीर है, उसका तो मेडिसिन है, उसके फॉर्मूलाज हैं तो वो तो असर करनी चाहिए ना, ऐसा नहीं है, मेंटालिटी ये सबसे बड़ी दवाई है, है ना, दिमाग, दिमाग हमारा कुछ भी करा सकता है, आपको जिंदा मुर्दा के समान आप जी सकते हो सिर्फ यहाँ से, है ना, और मुर्दा भी जिंदा के समान रह सकते हो, बहुत एकदम उम्र भी हो जाती है, अधेड़ उम्र भी होती है, उनमें भी एक जोश होता है, जिज्ञासा होती है जानने की, जीने की, है ना, और एक हमारी जैसी उम्र के होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि क्या पता जीना क्या है, क्या करना, व्यर्थ है सब कुछ, तो कहाँ से हो रहा है ये, यहाँ से हो रहा है कि नहीं, फिजिकैलिटी कुछ मानी नहीं रखती ऐसे लोगों के लिए, तो उसी तरह से मैं पहले रियाज की इंपॉर्टेंस बताऊं ताकि यहां से इंक्विजिटिवनेस आए, जिज्ञासा आए, इंटरेस्ट बने, रुझान आए आपका, रुचि बढ़े, ठीक है।
तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए? सबसे पहला हमारा वोकल स्ट्रेंथ आई, सेकंड हमारी वोकल रेंज आई, स्वर की स्टेबिलिटी आई और पिच परफेक्टनेस आई, फिर डेप्थ आई, है ना। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें मिल जाती हैं। और रियाज का सबसे बेनिफिट जो है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, नॉलेज कम्स टू यू, ज्ञान चलकर आता है आपके तरफ। क्यों? क्योंकि रियाज फकत सिर्फ वोकल एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, ये मेडिटेशन है, जिसे हम कहेंगे साधना। साधना जिसे कहा जाता है, संगीत की साधना होती है, संगीत सीखा नहीं जाता है। जो मैंने पहले ही कहा था कि संगीत के संस्कार मिलते हैं, संगीत सीखा नहीं जाता, ये संस्कृति का भाग है, तो इसके संस्कार मिलते हैं, इसकी साधना होती है, ठीक है। तो जब साधना कोई चीज़ करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एकाग्रता, कंसंट्रेशन आती है, जो मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ कि संगीत से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ता है, डेडिकेशन बढ़ता है, आप स्टेबल होते हो, आप प्रेजेंट में आते हो जब आप सवेरे उठ के रियाज करने लग जाते हो। आपका कंट्रोल आ जाता है खुद पे, इमोशंस पे, है ना, सब पे कंट्रोल आता है। आप फिर अस्थिरता आपसे चली जाती है, क्योंकि सुर को स्थिर कर रहे हैं ना आप, है ना। ये सारे तो मैंने वोकल के बेनिफिट्स बताए थे, खाली माइंड के बेनिफिट्स में जाओ तो ये वीडियो, ये जो क्लास है, ये बहुत लंबी हो जाएगी कि कितने बेनिफिट्स हैं सवेरे उठ के रियाज करने के स्पिरिचुअली, है ना। तो स्पिरिचुअली अभी हम नहीं जाएंगे। अब इसमें कई सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं जो मैं बता दूं। ये तो रियाज के बेनिफिट्स हो गए, इन पर हम आगे करेंगे तो और भी चर्चा करते रहेंगे, और कुछ बेनिफिट्स तो आपको खुद को ऑब्जर्व होंगे जब आप करेंगे, तो करके जब देखेंगे, है ना। ये कुछ कुछ तो मैंने बता दिए। अब सेकेंड आ जाते हैं प्रिकॉशंस पे।